दरअसल दो दिन पहले डॉक्टर त्रिहान की टीम ने मेरी बड़ी दीदी को उस हॉस्पिटल में मार डाला था, गलत दवाइयां देकर। गलत दवाइयां? आपको कैसे पता? आप डॉक्टर भी हैं। मैंने खुद रिसर्च किया, कई स्पेशलिस्ट से पता किया। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी किसी दवाई का नाम तक नहीं सुना। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी गन लेकर उन्हें धमकाने गया, उनसे पूछने गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। से पहले कि मैं कुछ कर पाता, लिफ्ट अचानक से 13वें माले पर रुक गई, लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले मुझे लोगों के गिरने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। आप उस रात कहां थे जब ये सारे मर्डर्स हुए? रात में रूम में था। कौन सा फ्लोर? यानी कि वही फ्लोर जिस फ्लोर पर लिफ्ट में सारे मर्डर हुए थे। वैसे इंस्पेक्टर सिंह का कहना है कि उनकी बहन की डेथ एक गलत ड्रग की वजह से। मैं जानते हैं सबके बारे में? या ऑफ कोर्स, ये एक नई ड्रग है, एपिलेप्सी के इलाज में इसको यूज किया जाता है। अब नाउ यू विल एक्सक्यूज मी, आई हैव गॉट मीटिंग। श्योर, थैंक यू सो मच। ये ओवरहेड फैन के स्क्रूज भी लूज है, लगता है किसी ने ये स्क्रूज निकाल के वापस लगाए हैं। Someone has definitely come from this side. एक काम कर, उल्टा होके नीचे आ जा। अब इस तरह एक, दो, तीन, चार। लाइट आने से पहले छू मत, आप लोग प्लीज जा सकते। थैंक यू। और इस तरह उस दिन किसी ने बड़ी चालाकी से 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 5 नहीं, 4। 5, क्योंकि अब इस सब के बाद तो इंस्पेक्टर सिंह को फांसी होगी। Not if he can help it. सामने कुछ जमीन पर पड़ा हुआ है, क्या है बताएं? फोक, यानी कांटा। जो खून से सना हुआ है, यानी किसी ने खून भरे ग्लव्स पहनकर से छुआ है। क्या बता सकते हैं कि जो कांटा है ये किस दिशा में पॉइंट कर रहा है? उल्टी दिशा में। करेक्ट, क्योंकि नुकीली चीजों का आपकी तरफ पॉइंट करना बैड लक होता है। इसीलिए से घुमाया गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह उस दिन आपको विक्रम का आपकी तरफ वो कैची पॉइंट करना पसंद नहीं है, बिकॉज इट ब्रिंग्स बैड लक। एक्सक्यूज मी, हटाइए उसे। क्या? वो कैंची को मेरी तरफ पॉइंट मत कीजिए, प्लीज घुमाइए, इट्स बैड लक। मेटन दासगुप्ता, इंसान की दो चीजें छूटनी बहुत मुश्किल है, एक तो उसकी फितरत और दूसरी उसकी आदत। जब आप गुवाहाटी में थी तो प्रतीक आपके घर में रहता था ना? मैं उसकी गार्डियन थी और मेरे कहने पे ही उसने उन चारों को मार डाला। मुझे पता चल गया था कि आप उस तक पहुंच गए हो, इसलिए मुझे उस बेचारे को भी मारना पड़ा।